अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा जल्दी से बन जाए ऐसा स्वीट कॉर्न बना लेते हैं, ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बॉईल कर लीजिए पानी को, उसमें नमक और लेमन ऐड कर दीजिए। लेमन इस वजह से हम यूज़ करे हैं ताकि जो हमारे बर्तन है वो डार्क ना हो जाए। ये एक हैक है, जरूर ट्राई करिए, बहुत काम करता है। परफेक्ट हीश हो जाएगा ना, उसके बाद हमें यही जो है उसे ऐड कर देना है। और ऐसा बर्तन लीजिए ताकि अच्छे से डिप हो जाए, तो आपको फ्लिप वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंडिंग में जो डंडियां होती है उसे हमें रखना है, सो देट हम जब मसाला लगाए तो काफी अच्छा इजी सी से हम घुमा। बॉइलिंग करने के लिए उसे छोड़ देना है और जरूर से फ्लिप भी करते रहिए, कवर करके हमें उसे पकाना है। यहाँ पर हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए पेरी पेरी मसाला ले लीजिए और चाट मसाला, दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखना है। और लेमन को कट करके साइड में रख देना है। थोड़ा सा नमक भी ज़रूर से यूज़ करिए उसी मसाले में, पर थोड़ा ही, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होगा। और हाँ, इजी और यूनिक रेसिपीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धनिया भी चॉप करके रख लीजिए। जैसे ही बॉईल होगा उसे रिमूव करना है। एक हमें खा के देखना है परफेक्टली गल गया हो, तब हम उसमें हो गए हो, फिर हमें इस तरीके से डिप करना है और थोड़ा सा स्क्वीज कर लेना है लेमन, सो दैट थोड़ा गीला हो जाएगा हमारे मसाले और इजीली स्टिक होंगे। इस तरीके से रब करते जाइए, जैसे स्ट्रीट वगैरह में जब हम लेते हैं तो वो स्ट्रीट में करते हैं ना, बस उसी तरीके से। अब आप चाहें तो इसे तंदूर वगैरह भी कर सकते हैं, पर ऐसे भी आप खाओ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा, ये गारंटी है। थोड़ी बहुत गार्निश कर दीजिए कोरिएंडर लीव से। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।